सोनीपत में टिकटॉक वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। वीडियो बनाने के लिए युवक बिजली के खंभे पर चढ़ा, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पानीपत के धर्मगढ़ गांव में उस समय मातम पसर गया जब लोगों को सूचना मिली कि उनके गांव के एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल युवक पानीपत के खंड मतलौड़ा में आईटीआई के पीछे बिजली के खंभे पर चढ़कर वीडियो बना रहा था, तभी करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को खंभे पर लटका देख दोस्त घबरा कर भाग गए और 2 घंटे तक शव खंभे से लटकता रहा। घर से निकले अपने गए, ये बोलता था दारू पियेंगे, बोलता नहीं पी लेंगे, पिया फिर 4 बज गए, बोले हम चले घर कर, ये बोलता ना सेल्फी लूंगा मैं, उन्हें सेल्फी भी ली, ऊपर चढ़ गया ये, ऊपर चढ़ गई ना हाथ लगा दिया उसका, मैं पेशाब करने लगा। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी हवा सिंह ने बताया कि युवक नशा करके खंबे पर वीडियो बनाने के लिए चढ़ा था, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिनांक 2/3/2020 को ASM मतलौडा ने टेलीफोन पर सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति बिजली के खंभा पर चढ़कर मौत हो गई है, जिसकी सूचना पर मैं अपने स्टाफ से वहाँ मौका पर पहुँचा तो देखा वहाँ पर एक लड़का बिजली के खंभे पर ऊपर उल्टा लटकाया था, जो पता करने से पता चला कि इस लड़के ने नशा शराब करके दारू के खंभे पर सेल्फी या टिकटॉक बनाने के लिए चढ़ा था, जो मैंने वहाँ रेलवे के अधिकारी को बुला करके बिजली का ब्लॉक व ट्रेनों का ब्लॉक लेकर के इस आदमी को नीचे उतरवाया। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना गलत है, ऐसे हादसे ना हो इसके लिए हमें सावधानी बरतने की कोशिश करनी चाहिए।